सर कल के अटैक के बारे में बताइए, क्या जानकारी मिली, कौन थे, क्या इन्वॉल्वमेंट थी किनकी, और क्या सर जो ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है उस एरिया में? फ्रेंड्स, कल जो बहुत ही दुखदपूर्ण टेरर इंसिडेंट हुआ है, हम लोग को बहुत दुख है, जिसमें हमारे दो साथी शहीद हुए हैं और जो दो जख्मी हुए, लेकिन श्रीनगर पुलिस और बांडीपुर पुलिस मिलके दोनों मिलके बड़ी रात जग के हम लोग भी लैब में पूरा करके केस को सॉल्व कर लिए हैं। मैं इसका ब्यौरा देना चाहता हूँ कि एक मुजफ्फर अहमद मीर है, जो कि मलोरा परिगांव थाना पड़ता श्रीनगर का, वो अब्बू अब्रार जो है बोलते हैं कोड नेम, असली नाम उसका है नदीम अब्रार भट्ट, जो कि नारवल का है, बड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एलईटी का कमांडर है, लोकल टेररिस्ट है, उसका रिलेटिव है मुजफ्फर का। मुजफ्फर के घर पर 3 दिन पहले गया और बोला मुझे एक ऐसा दो कोई हो ओडब्ल्यू दो, उसके साथ मिलके मैं अटैक करूँगा। तो मुजफ्फर मीर जो है एक जावेद अहमद शेख है उसी गाँव का, जो उसके साथ टिम्बर का काम करता है, उसको उसी मिलवाया और 24 तारीख को तीनों मिलके अब्रार जो टेररिस्ट है और मुजफ्फर और जावेद मिलके उस एरिया को पूरा रेकी किया, प्लान बनाया। कल जो सेकंड हाफ में जो इंसिडेंट हुई, उसके बाद हम लोग सोर्स को दोहराए और जब बांडीपुर पुलिस ने एक जावेद को पकड़ा, वो कार से भाग रहा था, जब कार्स को सर्च किया तो उसमें 2-3 एम्प्टी कार्टेज मिला, फिर उसको फर्दर इंटोग्रेट किया, उन्हें पूरा कहानी बताया। उसको कहानी बताने के बाद हम लोग मुजफ्फर को अरेस्ट किए और जो इस जो क्राइम में टेरर इंसिडेंट में जो कार जो एक मारुति कार है जिसका नंबर है HR10Q6583, उस गाड़ी जो मुजफ्फर की गाड़ी है, गाड़ी को भी सीज कर लिए हैं। तो दो जो उनके जो OHW है उसको पकड़ लिए हैं और गाड़ी को भी सीज कर लिए। अब जो उसके साथ जो ब्राड जो टेररिस्ट है और उसके साथ 2 FT था, इसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। रात भर हम लोग आर्मी CRP पुलिस मिलकर 2 जगह ऑपरेशन लॉन्च किए थे। संजोग से हाईडोर से भाग गया था, चूँकि खबर मिल चुका था उसको कि दोनों पकड़ा गया है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर आज तो 2 गिरफ्तारियाँ अभी तक आपने फाइनल की? जी हाँ, और दोनों 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 कन्फेस भी कर लिया।